ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम अपने आसपास जब बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे बहुत ज्यादा रोगी हो गए हैं। यानी कि जिस बच्चे को देखिए वो कभी ना कभी किसी न किसी रोग से ग्रस्त बना रहता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, या कहो कुछ वीकनेस, शरीर का ठीक से ना बढ़ पाना, कमजोर रह जाना, या बहुत अधिक मोटा हो जाना, ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आजकल के बच्चों के साथ लगी हुई है। और कई बार माता पिता इतना डर जाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बच्चा है काफी मोटा है, उसके माता पिता को चिंता हुई। वैसे उतना मोटा भी नहीं, उसके माता पिता को चिंता हुई, उन्होंने मुझे बुलाया कि इसका वजन कम करने में सहायता करो। लेकिन मैं उसकी सहायता नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा भी छोटा है, इतने छोटे बच्चे को एकदम से कुछ समझा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनको बोला इसकी कुछ रूटीन चेंज करिए, जो बदल नहीं पा रहे। जब आप उसके रूटीन नहीं बदल पा रहे हैं तो बच्चे को समाधान भी जल्दी नहीं मिल पाता, क्योंकि हम रूटीन बच्चों के ऐसे बना देते हैं। हमारे कुछ पढ़ाई के चक्कर में, कुछ ट्यूशंस के चक्कर में, कुछ खेलकूद नहीं हो पाता उसके चक्कर में, कुछ आसपास के वातावरण के चक्कर में, और साथ ही कुछ खान पान रहन सहन के चक्कर में वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है कि बच्चों का जो विकास है वो सही नहीं हो पाता। और इसमें एक बड़ा जो मुद्दा है, बड़ा विषय मैं आपको बता दूं, बच्चों का स्क्रीन के सामने रहना, या तो टीवी की स्क्रीन, या मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन, जिसके सामने बच्चे अक्सर बने रहते हैं और उनमें कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। आप बोलेंगे बच्चे कार्टून देखते हैं, बच्चे मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हैं। मित्रों, बच्चे जब देखते हैं ना, उनको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे उनके दिमाग का व्यायाम नहीं होता, जिससे उनके दिमाग की कसरत नहीं होती और बच्चा एक जगह स्थिर होकर बैठ जाता है। जैसे आपको मैं बताऊं, यदि बच्चों कोई कहानी आदि सुनता है तो आप उसमें जब बोलते हैं उछल के आया, तो आप खुद एक्शन करते उछल के आया, तो बच्चा उस समय उछलता है। लेकिन यदि स्क्रीन पे देख रहा है कि उछल के आया, तो बच्चा उस समय देखने में मगन है, उसको कुछ करना नहीं सोचता है। वैसे जब आप कुछ कहते हैं तो बच्चा तुरंत इमेजिन करता है कि हाँ ये ऐसा है। जैसे मैंने कई बार एक बात बताई है, इमेजिनेशन में क्या होता है कि जैसे आप कहानी सुना रहे हैं, एक था राजा, जैसे आपने बोला एक था राजा, तो दिमाग में आया कोई सिंहासन पर बैठा एक पुरुष है जिसने मुकुट वुकुट पहन रखा है। एक थी रानी, तो आपको रानी उसके बगल में दिख जाती है जिसने मुकुट वुकुट पहना, और एक सजधज की कोई महिला बैठी हुई है। उसका दरबार सजा था, तो आपको दिख जाता है कि सामने बहुत सारे एक सभा लगी जिसमें बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हैं, जिसमें कुछ लोग बैठे हैं और बड़ी सजधज के बैठे, एक बड़ा सा अच्छा सा दरबार है। क्योंकि हमें ये सब चीजें कल्पना में वैसे बताई जाती है, कहानियों में वैसे बताई जाती है, तो सारी चीजें हमें कल्पना में वैसे दिखने लग जाती है। तो बच्चे की इमेजिनेशन पावर जो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और साथ ही बच्चा जो इमेजिन करता है, जो अपनी कल्पना शक्ति है उसको इतना पावरफुल बना लेता है कि उसको कोई भी चीज आगे विकसित करने में समय नहीं लगता, और उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो बहुत ही अच्छी तरह और तीव्रता से होता है। इसलिए कहा जाता था पहले कि भाई बच्चों को कहानियां जरूर सुनानी चाहिए, कि बच्चों को, और हमारे यहाँ की आदत रही है, परंपरा रही है, अब तो खैर काफी कुछ छूट गया, कि बच्चे कहानियां सुने बिना सोते नहीं थे, और बच्चों को कहानियां सुनाओ तो बच्चे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे उत्साह से पूछते कि उसमें अपने आप अपना उत्साह बन जाता और कहानियां सुनाने में आनंद भी आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इस बात को नहीं समझ पाते, हम सोचते कि बच्चे को हमने दिखा दिया, बच्चे को हमने बहुत अच्छी चीजें दी है, बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने सब उसको अच्छी अच्छी चीजें दी है। मित्रों, आपने अपनी तरफ से अच्छी चीजें दी हैं, लेकिन उस अच्छी चीज के चक्कर में आपने गड़बड़ कहां कर दी, मैं आपको भी बता दूं। कुछ बच्चे भोजन नहीं करते हैं तो उनके सामने स्क्रीन रख दी जाती है और मुंह में कौर डाल दिया जाता है, चल तू चबा ले, तू इसके सहारे ही खा ले, तू खाते खाते टीवी देख ले, तू खाते खाते मोबाइल देख ले, ताकि तेरा टाइम यूज हो जाए। मित्रों, खाना, भोजन करना एक ऐसा विषय है जिसमें भोजन करते समय पूरा मन भोजन में ही होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो बच्चा क्या खा रहा है उसको कई बार समझ में नहीं आता, और बच्चा कितना खा रहा है उसको समझ में नहीं आता, तो बच्चा कई बार ज्यादा खाना खा जाता है जिससे उसका वजन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, या कई बार वो खाने में आनाकानी करता है, या कहीं कि उसको पता ही नहीं चलता वो खा रहा है क्या कर रहा है, तो उसका शरीर का विकास ठीक से हो ही नहीं पाता है। तो दोनों स्थितियां घातक हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप भोजन करते हैं, बच्चा भोजन करता है, आपका टीवी या स्क्रीन बंद होना चाहिए। आप जब जो काम कर रहे हैं सिर्फ एक काम एक बार में करिए, तो आपका जो माइंड है कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएगा, और साथ ही आपकी एकाग्रता की क्षमता भी बहुत अच्छी बनेगी। तो जब एकाग्रता की क्षमता बनेगी तो स्वाभाविक है कि आप हर काम एकाग्र होकर शांत चित्त से कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपको बच्चों को परवरिश देनी है। यदि आप बच्चों को सही परवरिश देते हैं तो आप बच्चों को सही दिशा में आगे ले जाते हैं। मित्रों, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हमारी प्लेलिस्ट है शिशु रक्षा छोटे बच्चों के लिए, उसके बाद बाल योग, हमने और भी वीडियोस दिए हैं, उसके आगे किशोरावस्था भी हमने प्लेलिस्ट दी है, ये हमारी प्लेलिस्ट के नाम है। इनमें हमने वीडियो दिए हैं कि बच्चों के विकास के लिए आप क्या करें, कैसे करें, तो आप निर्देश देखेंगे तो पता चलेगा। उसके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और आगे स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम की लिंक भी रहेगी, जिसको करके आप तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं।
पर एक आज हम नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, इसका हम नाम कुछ बच्चों की, क्योंकि ये जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें ये पहला वीडियो होगा बच्चों के विकास के लिए, कि बच्चों को आप कैसी कैसी कहानियां सुनाएं, बच्चों को आप कैसे मार्गदर्शन करें, बच्चों को आप कैसे विकसित करें ताकि आपके बच्चे सही दिशा में और एक उन्नत भविष्य के लिए अग्रसर हो। क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे बच्चे बहुत ज्यादा डरपोक होते जा रहे हैं और उनमें साहस की कमी हो रही है, उनमें उत्साह की कमी हो रही है, व्यस्त हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में कई बार माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि आप भी इस तरह परेशान हैं तो आप घबराइए नहीं, हमसे प्रश्न करिए कि आपके बच्चे के साथ क्या समस्या हो रही है। हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, अवश्य करेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ क्या करें, कैसे उनको बिहेव करें, ताकि क्योंकि आपको बच्चों को सही विकास देना है तो उनको समय भी देना होगा। यदि आप सोचे कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ट्यूशन में पढ़ रहा है, वो उसका विकास हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। यदि आप माता पिता बने हैं तो पहली जिम्मेदारी आपकी अपने बच्चे के प्रति होती है, जिसको यदि आप नहीं निभाएंगे तो दुनिया का कोई अन्य व्यक्ति आपके बच्चों के लिए आपकी जिम्मेदारी निभाने वाला कदापि नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। तो बच्चों को कैसे कहानियां सुनाएं, बच्चों को कैसे परवरिश दें, इस पर हम इसी प्लेलिस्ट में आके वीडियोस देंगे। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं, कैसे जानना चाहते हैं, ताकि हम आपको उस दिशा में काम करके कुछ जो हमें पता चलेगा उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपके विचार भी हम जानना चाहते हैं कि आपको हमारे विचार कैसे लगते हैं, क्योंकि हम अपने विचार रखते हैं तो उसके सामने आपके विचार कैसे हैं, हमारे विचारों से आप सहमत हैं, असहमत हैं, या आपको लगता है कि हमारे विचारों की दिशा कुछ ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए, हमें वो सब बताइए ताकि हम आपकी सही सहायता कर सकें और साथ ही हम मिलजुल कर काम कर सकें। मित्रों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हम सब अपूर्ण हैं, और हाँ, यदि हम मिलजुल के काम करते हैं तो कुछ नया, कुछ अच्छा सामने आता है जो हमारे समाज के, हमारे बच्चों के, हमारे अपने विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और जो एक सही दिशा में हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को ले जाने में हमारी सहायता करेगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देखिए जहां हमने आपकी बच्चों की समस्या उसके साथ ही नियम पालन प्राणायाम व्यायाम की वीडियोस दिए हैं, जिनका पालन करके आप तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। और साथ ही एक बात और, यदि आप हमसे कोई निजी प्रश्न करना चाहते हैं या आपको लगता है कि हमसे कंसल्टेंसी करनी है बच्चे के बारे में या कोई दिमागी की समस्या, कैसी भी समस्या के बारे में, तो 70 82 77 18 78 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, हमारे सहयोगी का नंबर है, अपना नाम, उम्र और समस्या और आप क्या करते हैं बताइए, आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा यदि आपको चाहिए तो, और प्लेलिस्ट में वीडियो कहाँ देखें वो भी बता दिया जाएगा, आप जैसा चाहें कर सकते हैं और अपनी समस्या का, हर समस्या का समाधान हमारे पास संभव है। धन्यवाद। वंदे मातरम।